शरण जाति भक्सो न रही है उसको कुछ पता है शरण जाति भक्सो न रही है उसको कुछ पता है शरण जाति भक्सो न रही है उसको कुछ पता है। पिछले 48 घंटों से भक्सुंदर शब्द जो है वो चर्चा में है, राजनीति का केंद्र बन चुका है बिहार में इस वक्त ये शब्द। भक्सुंदर शब्द से भक्त चरण दास को संबोधित किया था लालू प्रसाद यादव ने, और अब आरजेडी ने समझाया है कि आखिर भक्सुंदर का मतलब क्या होता है। आप अपने स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इसमें समझाया गया है कि भक्सुंदर का आखिर मतलब क्या होता है। हम आपको समझाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आखिर क्या कुछ कहना चाहता है। अपने स्क्रीन पर वो ट्वीट देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लिखा गया है, जिन लोगों को ठेठ बिहारी शब्द भक्सुंदर का अर्थ नहीं मालूम उनकी जानकारी बढ़ा देते हैं। भक्सुंदर भ्रांत चित्त, शून्य चित्त, खोया खोया, अंग्रेजी में एब्सेंट माइंडेड, सैडिश होता है। तो ये बात आरजेडी की तरफ से लिखी गई है। आपको बता दें, बीते कल लालू प्रसाद यादव जब पटना आ रहे थे और उससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में भक्त चरण दास को भक्सुंदर शब्द से संबोधित कर दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस ने भी खूब निशाना जो है वो साधा था और कहा था कि इस तरीके का शब्द राजनीति में, और वो भी आरजेडी के सीनियर नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब आरजेडी की तरफ से सफाई जो है वो दी जा रही है और भक्सुंदर का अर्थ समझाया जा रहा है। जेडीयू बीजेपी की आप बात कर ले तो जेडीयू बीजेपी ने भी खूब निशाना लालू प्रसाद यादव पर साधा था कि आखिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव कैसे कर सकते हैं। जेडीयू बीजेपी ने इसे दलित का अपमान बताया था कि लालू प्रसाद यादव हमेशा ही दलित विरोधी रहे हैं, इस कारण ही उन्होंने भक्त चरण दास को भक्सुंदर शब्द से संबोधित किया था। पिछले 48 घंटे की बात करें तो पिछले 48 घंटे में यह शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है और आरजेडी अब सफाई दे रही है कि भक्सुंदर का आखिर अर्थ क्या होता है। अब ऐसे में कांग्रेस ने चेतावनी दे डाली है कि लालू प्रसाद यादव जो है दलित समाज से माफी मांगे। क्या सचमुच लालू प्रसाद यादव भक्सुंदर शब्द को लेकर के माफी मांगेंगे या फिर आने वाले समय में कांग्रेस भी आरजेडी के नेताओं के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि कल ही प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस के एमएलसी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर कांग्रेस के नेता भी अपनी जुबान खोल देंगे तो ऐसे में क्या होगा, इस बात का अंदाजा है लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने भक्त चरण दास को लेकर के इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के हर तरफ चर्चा हो रही है। अब आरजेडी ने सफाई भी दे दी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।